किथे चाहते सन लोग भी कोई चमड़े का काम करने वाला तो धार्मिक दुनिया च आ जाए। हुण उन्हां दी किड्डी वड्डी अग लगदी होवेगी जदों उह रविदास नूं कबीर जी नूं उन्हां नूं तां मंदरां च भी नहीं सी आउण दिंदे ते अज उह तखत ते बैठा उपदेश दे रहा होवे ते ब्राह्मण थले बैठ के सुन रहा होवे उहदे कोल किवें बर्दाश्त होएगा। मैं पिछे भी बेनती करदा रहा भई ये मत सोचो असीं भुले होए हैं भई गुरु ग्रंथ साहिब दी पन्ने पाड़ के बेअदबी कर दित्ती जांदी है। मसला गुरु ग्रंथ साहिब दा नहीं है, मसला है भी जो सच गुरु ग्रंथ साहिब च दित्ता होया ना उह सिद्धांत उहनां कोल नहीं है। गीता दे पन्ने पाड़न दी लोड़ नहीं है। मैं नहीं कहिंदा भी किसे दे धार्मिक स्थान दी इस तरह बेअदबी हो, भी मेरी मनशा इह नहीं है, पर जिहड़ियां चीज़ां पहले ही वंडियां पा रही ने उन्हें पाड़न की की लोड़ सी, जिहड़ियां ने सारी मनुखता नूं कट्ठे करके रख दिता, गुरु अर्जन साहब जी ने एक लड़ी च परो के रख दिता बई तुहानूं किसे नूं इतराज़ है तां गल वक्खरी है, छड सकदे हो पर मैं सारिआं नूं कट्ठे बिठावांगा। अज अगर सारे धर्मां दा समेल सारे धर्मां दा सम्मेलन किते हो रहा है, लोग तो कदे कदाई करवाते हैं गुरु अर्जन पातशाह के घर सर्व धर्म सम्मेलन हर रोज़ होंदा, कदे शेख फरीद बोलते हैं, कदे कबीर बोलते हैं, कदे रविदास जी बोलते हैं, कदे नामदेव जी बोलते हैं, और किसी ते पाबंदी नहीं है भी तुसी मेरे मुताबिक बोलो। तुसी कहो नमाजां दीआं गल्लां सानू की इतराज है, तुसी कहो आरती दीआं गल्लां हाँ, पर एक गल चेता रखियो गल एक दी करियो दूजे दी नहीं।